गाइस वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन आज हम करेंगे क्लास नाइन साइंस ओलम्पिया चैप्टर सेवन डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स पार्ट थ्री तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन से मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स हमें कॉलम फर्स्ट को मैच करना है कॉलम सेकेंड से कॉलम फर्स्ट के अंदर सबसे पहले है पोअर बियरिंग एनिमल्स वो एनिमल्स जिनके अंदर पोर्स होते हैं उनको हम कहते हैं पोरीफेरा तो ए का है हमारा थर्ड जो कि है ऑप्शन नंबर सी में तो बाकी सारे ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो गए तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी इसके बाद हम देखते हैं बी नीडोब्लास्ट जो हमारे नीडोब्लास्ट हैं ये हमारे होते हैं स्टिंगिंग सेल्स और ये सेल्स हमारे मिलते हैं सीलेंट्रेटा में तो बी का है हमारा सेकेंड इसके बाद सी मेटामेरिक सेगमेंटेशन मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में या कंपार्टमेंट्स में उसको कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन और ये हमारा होता है एनेलिडा में तो सी का है हमारा सिक्स एनेलिडा इसके बाद है डी जॉइंटेड लेग्स जॉइंटेड लेग्स हमारी होती है इंसेक्ट्स के अंदर जो कि आते हैं आर्थ्रोपोडा में तो डी का है हमारा फर्स्ट इसके बाद है ई e, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हमारे आते हैं मोलस्का में जो कि है फिफ्थ में इसके बाद है एफ स्पाइनी स्किनड एनिमल्स वो एनिमल्स जिनके पास स्पाइंस होते हैं वो हमारे आते हैं अकाइनोडरमेटा में जो कि है फोर्थ में तो जो हमारा आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी ए का थर्ड बी का सेकेंड सी का सिक्स डी का फर्स्ट ई का फिफ्थ एंड एफ का फोर्थ तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ से विच ऑफ़ द फोलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट डाई हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है डाईकोटिलेडेंस के रिगार्डिंग तो सबसे पहले देखते हैं डाइकोट और मोनोकोट तो हमारे पास दो टाइप के सीड होते हैं एक होते हैं मोनोकोट और एक होते हैं डाइकोट जो हमारे मोनोकोट सीड होते हैं उनके अंदर एक कोटिलेडन प्रेजेंट होता है और जो हमारे डाइकोट होते हैं उनके अंदर दो कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं मोनोकोट के एग्जाम्पल है हमारे वीट राइस ये एग्जाम्पल है हमारे मोनोकोट के और डाइकोट के एग्जाम्पल है हमारे मैंगो सीड और जो हमारी पलसीज होती हैं वो भी होती है हमारी डायकोट क्योंकि उनके अंदर दो कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं सीड के अंदर तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है डाइकोट के रिगार्डिंग तो सबसे पहले फर्स्ट देयर रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबरस रूट ओनली जो हमारे डाइकोट होते हैं इनके अंदर फाइबरस रूट्स होती हैं ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट डाइकोट के अंदर फाइबरस नहीं टैप रूट होती है तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट इसके बाद है बी देयर लीवस हैव मोस्टली पैरल वेनेशन ये भी स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट सबसे पहले देखते हैं वेनेशन का मतलब तो जो हमारी लीवस होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं वीन्स और इन वीन्स का जो पैटर्न होता है उसको हम कहते हैं वेनेशन जो हमारा पैरेलल वेनेशन है इसके अंदर वीन्स हमारी पैरेलल होती हैं और जो दूसरा है वो है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर जो हमारी वीन्स है वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं होती तो जो हमारे डाइकोट प्लांट्स हैं इनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होती है ना कि पैरेलल तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट तो इसके बाद है सी द वास्कुलर बंडल्स इन देयर स्टेम मोस्टली आर अरेंज इन ए रिंग तो सबसे पहले देखते हैं वास्कुलर बंडल्स वास्कुलर बंडल के अंदर आते हैं जाइलम और फ्लोएम और ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में डाइकोट के अंदर जो वास्कुलर बंडल हैं वो हमारे रिंग की शेप में होते हैं ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट और मोनोकोट के अंदर वास्कुलर बंडल्स हमारे स्कैटर्ड होते हैं तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट इसके बाद है डी देयर फ्लार्स आर मोस्टली ट्राइमरस इनके जो फ्लार्स होते हैं वो हमारे ट्राइमरस होते हैं ट्रायमरस का मतलब जो हमारे फ्लार की पेटल हैं वो हमारी तीन होती हैं तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट जो हमारे ट्रायमरस फ्लार्स होते हैं वो हमारे मिलते हैं मोनोकॉट के अंदर ना कि डाकोट में तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्टीन रिधी ड्र्यू अ क्लासीफिकेशन चार्ट एज शोन रिधि ने एक क्लासिफिकेशन चार्ट बनाया जो कि हमें दिया गया है हमें बताना है एक्स वाई और पी क्यू तो सबसे पहले हमें दिया गया है एनीमेलिया ये हमारा डिवाइड हुआ है सेलुलर बेसिस पर और टिश्यू बेसिस पर सेलुलर के अंदर है पोरीफेरा और जो हमारा टिश्यू है इसके तीन टाइप हैं एक्स सूडोसीलम और वाई तो बीच में है हमारा सूडोसीम तो एक्स और वाई हमारे हो सकते हैं असिलोमेट या सिलोमेट जो हमारा एक्स है ये आगे जाकर डिवाइड हुआ है दो टाइप में एक है हमारा सिलन ट्रेटा और दूसरा है प्लेटी हेलमिंथस ये दोनों हमारे होते हैं असिलोमेट यानि कि जो एक्स है ये है हमारा असिलोमेट तो वाई हमारा होगा सिलोमेट जो हमारा सिलन ट्रेटा होता है इसके अंदर होती है रेडियल सिमेट्री और प्लेटी हेलमिंथस के अंदर होती है बायोलेटरल सीमेट्री तो पी है हमारा रेडियल सीमेट्री और जो क्यू है ये है हमारा बायलेट्रल सीमेट्री तो अब हम रीड करते हैं स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एक्स इज यू सिलोमिक बॉडी कैविटी जो हमारा एक्स है ये हमारा यूसेलोमिक है या सिलोमेट है ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट एक्स हमारा असिलोमेट है ना कि सिलोमेट इसके बाद बी पी इज बाइलेटरल बॉडी सीमेट्री ये भी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट पी हमारा रेडियल सीमेट्री है इसके बाद है सी क्यू इज़ रेडियल बॉडी सीमेट्री ये भी है हमारा इनकरेक्ट क्यू है हमारा बायोलिट्रल सीमेट्री इसके बाद है डी वाई इज सिलोमिक कैविटी लाइन बाय मेजोडम ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट जो हमारा वाई है ये हमारा दिखाता है सिलोमेट को तो वाई के अंदर जो हमारी कैविटी है वो है हमारी सिलोमिक कैविटी और इसके अंदर प्रेजेंट है मेजोडम ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सिलेक्ट द करेक्ट मैच आउट ऑफ द फॉलोइंग हमें बताना है करेक्ट मैच सबसे पहले है फर्स्ट डेटा और इसका जो सीलम है वो है हमारा असिलोमेट और इसका जो फीचर है वो है डोर्सल होलो नर्व कोड ये जो हमारा मैच है ये है हमारा इनकरेक्ट जो हमारा डेटा है इसके अंदर डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट होती है लेकिन ये हमारा सिलोमेट होता है ना कि असिलोमेट इसके बाद बी अकाइनोडर्मेटा ये हमारे होते हैं सूडोसिलोमेट और इनका फीचर है वोटर वास्कुलर सिस्टम ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट जो हमारे अकाइनोडर्मेटा है ये हमारे सिलोमेट होते हैं ना कि सूडोसिलोमेट और इनके अंदर प्रेजेंट होता है वोटर वास्कुलर सिस्टम ये फीचर हमारा करेक्ट है लेकिन जो इनका सीलम है वो हमारा इनकरेक्ट है तो ये मैच हुआ हमारा इनकरेक्ट इसके बाद सी आर्थ्रोपोडा ये हमारे होते हैं सिलोमेट और इनका जो एग्जोस्केलेटन है वो बना होता है काइटिनस क्यूटिकल से ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट इसके बाद है डी प्लेटी हेलमिंथस ये होते हैं हमारे सूडोसिलोमेट और इनकी होती है फ्लैट बॉडी एंड सकस ये मैच भी है हमारा इनकरेक्ट जो हमारे प्लेटी हेलमिंथस हैं ये हमारे होते हैं असिलोमेट ना कि सूडोसिलोमेट तो ये भी मैच है हमारा इनकरेक्ट तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन

और ये ब्रीद करता है लंग्स के थ्रू इसके पास चार चैम्बर हार्ट है और ये हमारा एग ले करता है हमें बताना है एनिमल एक्स क्या है तो एनिमल एक्स हमारा हो सकता है क्रोकोडाइल क्योंकि जो हमारा क्रोकोडाइल है ये हमारा रेप्टाइल है और सिर्फ इसके पास प्रेजेंट होता है फ़ोर चैम्बर्ड हार्ट बाकी रेप्टाइल्स के पास फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट नहीं होता सिर्फ क्रोकोडाइल के पास प्रेजेंट होता है फ़ोर चैम्बर्ड हार्ट तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी